मुझे तो बस प्लेन उड़ाना है। इस ख्वाब को पूरा करने के चक्कर में कहीं मैं देश से गद्दारी तो नहीं कर रही। यह डायलॉग कहती है जाह्नवी कपूर फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में, जिसके जवाब में पंकज त्रिपाठी जो उनके पिता बने इस फिल्म में, वो कहते हैं गद्दारी का ऑपोजिट क्या होता है? ईमानदारी। तुम्हें क्या लगता है, एयरफोर्स वालों को भारत माता की जय चिल्लाने वाले ऑफिसर्स चाहिए? नहीं ना, उन्हें सिंसियर ऑफिसर्स चाहिए। वो ऑफिसर्स चाहिए जिनका कोई लक्ष्य हो, वो ऑफिसर्स चाहिए जो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाए। वो ईमानदार ऑफिसर और पायलट बन जाओ, देशभक्ति अपने आप अंदर आ जाएगी। वेल फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम रिव्यू करने वाले हैं गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। सबसे बड़ी मेरी दुर्भाग्य कहूँगा कि इस फिल्म को मैं बड़े पर्दे पर नहीं देख पाया। आज जितना मैंने थिएटर को मिस किया है, लिटरली स्पीकिंग जितनी भी OTT पे फिल्म्स आई हो, चाहे वो यारा हो, जितको भी फिल्में आई हो, लास्ट वीक शकुंतला देवी हो, इतना मलाल किसी भी फिल्म को बड़े पर्दे पर न देखने का मुझे अब तक नहीं हुआ है। क्योंकि गाइस, जो विजुअल्स इस फिल्म के हैं, दे आर आउट ऑफ द वर्ल्ड फैंटास्टिक। स्पेशली क्लाइमैक्स में जिस तरह से हमारे भारतीय सोल्जर्स पर अटैक हो रहा है, एंड ये हेलीकॉप्टर, गुंजन सक्सेना जी जो पहली फीमेल IAF ऑफिसर बनी थी, जो कि वॉर कारगिल वॉर में गई थी, फर्स्ट फीमेल पायलट टू एंटर अ वॉर जोन, जब वो हेलीकॉप्टर वो चॉपर जाकर हमारे हिंदुस्तानी पायलट्स को बचाता है, लिटरली स्पीकिंग गर्व से सीना छोड़ा हो जाता है कि ऐसे लोगों ने बलिदान दिया था हमारे लोगों के लिए। आज जो हम यहाँ सुरक्षित बैठे हैं, इन लोगों के बलिदानों के वजह से सुरक्षित है। हम कारगिल घूमने जाते हैं, लद्दाख घूमने जाते हैं, आज वो सारी चीज़ें, सारी जगह जो सलामत है, वो हमारे जितने भी सिपाही है, चाहे वो आर्मी हो या एयरफोर्स हो, उनके वजह से। तो सलाम है मेरा उन ऑफिसर्स को, स्पेशली कौसर मुनीर एंड अमित त्रिवेदी को मैं फुल मार्क्स दूंगा। एक गाना है, लिरिक्स दिल छू जाएंगे, शायद दिल में छेद भी कर जाए। सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, सारे जहां पर भारी मेरे भारत की बेटी। कौशल मुनीर और अमित त्रिवेदी ने गाइस बहुत ही जबरदस्त लिरिक्स और म्यूजिक दिए इस फिल्म को। फुल मार्क्स देना चाहूंगा शरण शर्मा को, जो इस फिल्म के डायरेक्टर है, मार्क वुल्फ जिसने एरियल स्टंट्स डिजाइन किए इस फिल्म के लिए, मनीष नंदन जो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी है। इतनी ब्यूटीफुल वादियां दिखाई गई है गाइस, तो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी है, उन्होंने इतना बेहतरीन कैमरा वर्क यूज किया, राइट फ्रॉम द चॉपर सीन्स टू द वॉर सीन्स, ब्यूटीफुली शूट किया है फिल्म। निखिल मेहरोत्रा एंड शरण शर्मा ने इस फिल्म की जो लिखावट की है, बहुत ही सरल है, जरा भी कंफ्यूज नहीं करती, ओवर द टॉप नहीं जाती। एक्शन में विक्रम दहिया इज फैंटास्टिक, एडिशनल डायलॉग्स में हुसैन दलाल बहुत सारे सीन्स पर आपको ताली मारने पर मजबूर कर दे कि यहां पर हमें आपको मौका देना और बराबरी करना नहीं सिखाना, दुश्मन को जवाब कैसे देना है ये सिखाना है। ऐसे डायलॉग्स आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। लेकिन गाइस, एडिटिंग में नितिन बेद इज फैंटास्टिक। सिर्फ 1 घंटा 40 मिनट की ये फिल्म है, 12 मिनट रोलिंग टाइटल्स में चले जाते हैं, एब्सोल्युटली अमेजिंग। द साउंड डिजाइन बाय अली मर्चेंट एंड जॉन एड्यूरी का जो BGM है, ये इस फिल्म को एक क्लासिक अफेयर बनाता है। लेकिन गाइस, जो कास्टिंग डायरेक्टर है मिस्टर जोगी, इन्होंने जो कास्टिंग ली है इस फिल्म की, एस्पेशली पंकज त्रिपाठी को तो म्यूजियम में डाल के रखना चाहिए। मैं बहुत कम लोगों के लिए कहता हूँ, पिछली बार आई थिंक राजकुमार राव के लिए मैंने कहा था ये बात, पंकज त्रिपाठी इज बिकमिंग अ लेजेंड नाउडेज। जिस तरह से पंकज त्रिपाठी एक्टिंग करते हैं, ही डिजर्व्स टू बी इन बिग फिल्म्स। बात करें दूसरी इंसान की इस फिल्म की, तो वो विनीत सिंह, ही इज फैंटास्टिक। मुक्काबाज के बाद शर्म आनी चाहिए कि हमने उन जैसे व्यक्ति को बड़ी बड़ी फिल्में क्यों नहीं दिए। एंड गाइज, अब बात करता हूँ मानव विज की। दीज थ्री पीपल आर द पिलर ऑफ दिस फिल्म, अलॉन्ग विथ अंगड़ बेदी जो जाह्नवी कपूर के भाई बने इस फिल्म में। बात करते हैं गुंजन सक्सेना की। जाह्नवी कपूर इस फिल्म में, राइट फ्रॉम हर स्कूल डेज टू हर कॉलेज डेज टू हर ग्रेजुएशन एंड टू द एयरफोर्स पायलट के रोल में दिखाई दी है। जाह्नवी कपूर को जो एंट्री सीन दिया गया है मेरा भाई इस फिल्म में, वो बड़े से बड़े हीरो को दिया जाता है। अगर ये फिल्म थिएटर में लगती तो पक्का उनके एंट्री सीन्स पर तालियां सीटियां बजती। यस, जाह्नवी कपूर का जो नेसल स्वैंग है, यानी कि उनकी जो नाक से आवाज निकलती है, वो थोड़ी आपको कान में हर्ट करेगी। उनका जो एक्सप्रेसिवनेस होना चाहिए था फेस पे एज एन ऑफिसर, उस प्रकार का नहीं है। लेकिन गाइज, यहाँ पर वो एक ऐसा किरदार निभा रही है जिनको उनके ड्यूटी के लिए जब एयरफोर्स का यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है, तो ना चेंजिंग रूम में कोई महिला है,
ना कोई बाथरूम महिलाओं के लिए है, ना उस पूरे के पूरे एयरफोर्स कैंप में कोई कमरा है महिलाओं के लिए। 10 मिनट में किस तरह से एक डरी हुई, एक सहमी हुई 24 वर्षीय लड़की जिस तरह से बिहेव करती है, आई थिंक वो डर, वो एक शर्म जिस तरह से रहती है, वो जानवी कपूर ने परफेक्टली पोर्ट्रे किया। हाँ, बहुत सारे सीन्स है जहां पर उनको खुल के आना चाहिए था, बाहर वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आती। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, अब हम इसका डिटेल रिव्यू करेंगे, वी आर गोइंग टू गो इन द स्पॉयलर्स नाउ। अब तक अगर आपने देख लिया है तो आप जा सकते हैं, अब स्पॉयलर रिव्यू यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके गाइज, शुरुआत में बताया जाता है किस तरह से ये सब एक फिक्शनलाइज ड्रामाटाइज्ड इंसिडेंट है। 1984 से 1999 तक मेकर यहाँ पे किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहते, लंबा चौड़ा डिस्क्लेमर दिया है कि दिस इज जस्ट फिक्शन एंड लिटिल पार्ट ऑफ रियलिटी हैज बीन टेकन, इट इज इंस्पायर्ड। स्टार्टिंग में योगी आदित्यनाथ जी को भी थैंक यू कहा जाता है। कारगिल वैली का जो बड़े स्क्रीन पर एक्सपीरियंस होता वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता, लेकिन जो फर्स्ट ओपनिंग शॉट है जानवी कपूर भागते हुए एक चॉपर में एंट्री लेती है, वो फैंटास्टिक है। फिर जानवी कपूर जो बचपना है, वो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में जो बच्ची है जो अपने पिता के शव को देख के रोती है, वो इसमें आप लोगों को पता है वो सीन में कितना रोया था, मेरे उरी का रिव्यू देख सकते हो। तो वो इस फिल्म में उसके बचपन का किरदार निभाती है, वो फैंटास्टिक। किस तरह से बचपन से उसे प्लेन उड़ाने में रुचि रहती है, पहला सीन जब आप एक प्लेन के कॉकपिट में जाते हो वो बहुत ही फैंटास्टिक है। उसे बचपन से पायलट बनना है, लेकिन उसका भाई कहता है लड़कियां पायलट नहीं बन सकती, लड़कियां तो खाना बनाती है एयर होस्टेस बनती है, पायलट नहीं बन सकती। पंकज त्रिपाठी कहते हैं लड़का हो या लड़की हो प्लेन उड़ाने वाले को पायलट ही कहते हैं। पंकज त्रिपाठी इज फैंटास्टिक मेरे तरह। जानवी कपूर भी पूरी पिक्चर में गॉगल लगाए घूमती है बचपन में, क्योंकि पायलट लोग गॉगल लगाते हैं, ऐसा उन्होंने हमेशा देखा था। जानवी कपूर जब स्कूल आती है, यानी कि जब वो बड़ी हो जाती है, द मेन जानवी कपूर शी लुक्स वेरी क्यूट। लखनऊ दिखाया गया है, अंगद बेदी एज अ ब्रदर इज फैंटास्टिक इन दिस फिल्म। द हाईलाइट ऑफ दिस फिल्म इज ए जी ओ जी माई नेम इज लखन कपूर, अनिल कपूर के गाने पर जब जानवी कपूर डांस करती है वो काफी फैंटास्टिक है। 1989 में उन्हें फ्लाइंग स्कूल ज्वाइन करना है, पहले एलिजिबिलिटी रहती है फ्लाइंग स्कूल के 10th पास, लेकिन जब वो पहुंचती है वहां तब पता चलता है कि 12वीं पास, 12वीं पास करके जाती है तो पता चलता है कि ग्रेजुएशन करना है। एंड ग्रेजुएशन जब करके जाती है तब पता चलता है वहां की फीस जो प्राइवेट फ्लाइंग स्कूल की है वो 5 लाख से 10 लाख हो गई है। अनफॉर्चुनेटली पायलट बन नहीं सकती। फिर गाइज वहां पर IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो अपना फर्स्ट पायलट का बैच का अनाउंसमेंट करता है, एंड वहां पर जानवी कपूर जाती है। द फर्स्ट सीन ऑफ द ट्रेनिंग आर फैंटास्टिक। इसमें बहुत ही बेहतरीन डायलॉग है, जब उनकी ट्रेनिंग चलती है तो ऑफिसर पूछता है अशोक चक्र का रंग क्या है, एक लड़की कहती है ब्लू, बोलती है नहीं अशोक चक्र का रंग ब्लू नहीं ब्लैक है। लड़की शर्म से बैठ जाती है, जानवी कपूर हाथ उठा के कहती है नहीं सर अशोक चक्र का रंग ब्लू ही है। एंड तब वो ऑफिसर कहता है डर सब कुछ है, डरना नहीं है। फैंटास्टिक ये फिल्म देखकर आपको कसाटा आइसक्रीम जो है वो खाने का बहुत मन करेगा। 1994 की ट्रेनिंग दिखाई जाती है गाइस यहाँ पर, एंड ट्रेनिंग में उनको पूछा जाता है कि प्रेजेंट करंट सिचुएशन के बारे में कुछ बताइए। जानवी कपूर करंट सिचुएशन के बारे में क्या कहती है ये सुन के शायद अनन्या पांडे को भी शर्म आ जाए। वो कहती है सर काहिलो तकिया जड़ा लगे, ये जो गाना है राजा बाबू का ये अभी फिलहाल 1994 में काफी विवादित है। हम आपके हैं कौन के सुपरहिट होने के बाद टफी जो कुत्ता है उसने काफी सारी फिल्में साइन कर ली है, ये ऑफिसर्स को गुदगुदा देते हैं। श्रीदेवी जिस तरह से चुलबुली थी अपने जवानी में, उसी तरह की झलकियां आपको जानवी कपूर में दिखाई देती है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि वो रिजेक्ट हो जाती है, इसके लिए आपको फिल्म देखना है। रेखा का भी जो रेफरेंस है वो काफी फैंटास्टिक यहाँ पे दिखाया गया है। रेखा नाम का एक गाना है वो भी फैंटास्टिक है, लेकिन जिसे भगवान ने सेलेक्ट किया है उसे हम कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं, ऐसा क्या होता है जो जानवी कपूर सेलेक्ट हो जाती है, ये भी देखने के लिए आपको फिल्म देखना होगा। बट फ्रेंड्स द सीन इन द उधमपुर जो पूरा उधमपुर का एयरबेस दिखाया गया है वो फैंटास्टिक। किस तरह से सारे के सारे लोग पुरुष है वहां पर, महिलाएं बहुत कम है। आसमान की परी गाना फैंटास्टिक है गाइस यहाँ पर। किस तरह से जैसे उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, किस तरह से पुरुष पायलट उनसे सल्यूट नहीं ले सकते हैं, उनको शर्म आती है एक फीमेल ऑफिसर को सल्यूट मारने में, कोई उनके साथ प्लेन चलाने में विश्वास नहीं रखता। किस तरह से चॉपर के सीन्स जब आते हैं गाइस तो फिल्म का एक्सपीरियंस और इनहेंस हो जाता है, आपको और मजा आता है। लेकिन गाइस जब ये फिल्म हार्ड हिटिंग होती है वो है इसके लास्ट आधे घंटे में। लास्ट आधा घंटा फैंटास्टिक है। जानवी कपूर पूछती है मुझे पायलट में नंबर वन है, मैं एयर टाइम मेरा सबसे ज्यादा है, मुझे क्यों नहीं प्लेन चलाने का मौका दिया जाता है। विनीत सिंह बोलता है ठीक है एक मिनट इधर आओ, एक ऑफिसर को बुलाता है, उसको बुलाता है, पंजे में
को 10 बार हराता है, जब उसकी आंखों से आंसू गिरता है, तब जाके डायलॉग आता है, यहां पर हमको तुमको मौका या तुमको बराबरी का मौका नहीं देना है, दुश्मन को जवाब देना है। शी इज फैंटास्टिक इन दैट सीन, बहुत अच्छी एक्टिंग करती है वो। लेकिन गाइस दूरी टूट गई, ये गाना भी काफी अच्छा है, किस तरह से वो ये सब छोड़ देना चाहती है। और जब पंकज त्रिपाठी उसे कहता है कि सपनों को छोड़ के सेटल हो जाना चाहती हो, पिंजरे में कैद हो जाना चाहती हो, ये सपना मैंने और तुमने नहीं देखा था। पंकज त्रिपाठी की केमिस्ट्री जाह्नवी कपूर का जो खराब परफॉर्मेंस है उसको भी इनहेंस कर देती है। बहुत सी में जाह्नवी कपूर थोड़ा अंडर परफॉर्म करती है, लेकिन पंकज त्रिपाठी का साथ जब मिलता है परफॉर्मेंस काफी इनहेंस हो जाता है। लास्ट 30 मिनट्स में जब कारगिल वॉर आता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखकर बहुत ही नॉस्टैल्जिया हो जाता है। एंड जब वॉर स्टार्ट होती है, फैंटास्टिक गाइज। एंड गाइज जिस तरह से यहाँ पर एंड में एक डायलॉग आता है, अरे भाई आपके सिर्फ दो ही बच्चे हैं, दोनों को मिलिट्री में डाल दिया और वो मरने के लिए छोड़ दिया। जब जाह्नवी कपूर अंगद बेदी की माँ कहती है, तुम जैसे अगर लोग सोचते ना तो देश की रक्षा कोई नहीं करता, वो डायलॉग इस फिल्म को फैंटास्टिक छोड़ के जाता है। द क्लाइमैक्स ऑफ द फिल्म विल मेक यू क्राई, किस तरह से विनीत सिंह जब जाह्नवी कपूर से हाथ मिलाता है एंड वो उससे हारता है और उसको सल्यूट करता है, ये आपके आंखों में आंसू डाल देता है। वेल फ्रेंड्स द फिल्म इज फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली वेल मेड। मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए फिल्म के। फिल्म का ओनली ड्रॉबैक है इसका मेन कास्ट, यानी कि जाह्नवी कपूर, एक और एक्ट्रेस को लिया जाता था, लेकिन ये जाह्नवी कपूर की सेकेंड फिल्म है, काफी उनको नर्वस भी दिखाना था फिल्म में, इसी उसी तरह की एक्टिंग की उन्होंने फिल्म में। अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्निकल लेवल पे, शूटिंग लेवल पे, प्रोडक्शन वैल्यू, म्यूजिक, एडिटिंग इज फैंटास्टिक। हर एक भारतीय को ये फिल्म देखनी चाहिए, नेटफ्लिक्स पे आएगी। गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल 4/5 stars, इट्स अ मस्ट वॉच। लीविंग जाह्नवी कपूर असाइड, शी हैज टू डू अ लॉट ऑफ वर्क ऑन हर एक्टिंग। एपिसोड पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्मैमर एंड साई साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज स्टे कूल मैन। पंकज त्रिपाठी जी, यू आर अ लेजेंड।